नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और रोचक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन बच्चों की जिन्हें जानवरों ने पाल पोस कर बड़ा किया, या यूं कहिए कि उनके माँ बाप के ठुकराए जाने के बाद या माँ बाप से बिछड़ जाने के बाद जानवर ही उनके माँ बाप बन गए। और जानवर भी ऐसे जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए, उन बच्चों के रहनुमा बनकर इस दुनिया में आए। इन खास बच्चों को बंदर भेड़िए जैसे जानवरों के साथ कई साल गुजारते देखा गया है। इन बच्चों की लाइफस्टाइल से प्रेरित होकर कई किताबें भी लिखी गई हैं और कुछ फिल्में भी बनाई गई। खास बात यह है कि जब ऐसे अद्भुत बच्चों को जंगल में खोजा गया तो उस समय वह बड़े आराम से घुल मिलकर उन जानवरों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। यदि यह जानवर उन बच्चों का ख्याल न रखते तो शायद वो जंगल में ही कहीं दम तोड़ देते। जल बना, जमीन बनी और जंगल बना। इसी तरह आगे बढ़ते हुए कुदरत ने जानवर बना डाला। क्रमिक विकास में कुछ प्रजातियां अपनी दिमागी ताकत को विकसित कर सामाजिक प्राणी में बदल गई। आज इसी सामाजिक प्राणी को इंसान कहा जाता है। इस तरह विकासवाद के क्रम में जो जानवर दिमागी विकास में पीछे रह गए वो जंगल में ही रहे और जानवर से बना इंसान आशियानों की पनाह में बस्तियों में चला गया। मगर किस्मत सब पर एक सी मेहरबान नहीं होती, ये तो हर पल अपने नए नए रंग दिखाती है। दुनिया के कुछ इंसानों के साथ आगे चलकर ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें इंसान होते हुए भी जंगल में जाना पड़ा और जानवर के बीच रहकर पलना और बढ़ना पड़ा। अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो सच में मोगली जैसे शख्स दुनिया में हुए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों की दास्तान का जिक्र करेंगे जिन्हें इंसान द्वारा मुंह मोड़ देने पर जानवरों ने माँ और बाप का प्यार दिया और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। नंबर एक, मैरी एंजेलिक मैमी लीब्लांक, द वाइल्ड गर्ल ऑफ चिंपांजी। 17वीं सदी में बीब्लांक नाम की एक लड़की को फ्रांस के गांव में भटकते हुए देखा गया। जब गांव वालों ने उसे भूखा समझकर खाना दिया तो उसने खाने से मना कर दिया। उसके बाद वो कच्चा मांस खाने लगी। यह सब देखकर गांव वाले चौंक गए। गांव वालों ने उसे अपना लिया और धीरे धीरे उसे इंसानी भाषा भी सिखा दी। आगे चलकर वह लड़की इंसानों की तरह खाना और पढ़ना लिखना तक सीख गई। फ्रेंच राइटर मैरी कैथरीन होम्सेल हकैत ने इस लड़की के बचपन में जंगल में बिताए पलों पर एक बायोग्राफी भी लिखी। इस लड़की को अपने बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, उसे बस इतना पता था कि वो जंगल में रहती थी और भटकते हुए इंसानी बस्ती में पहुंची थी। नंबर दो, रोचम पंगेंग द कंबोडियन जंगल गर्ल। रोचम पंगेंग 2007 में कंबोडिया में मिली थी। वह जंगल से भटकते भटकते इंसानों के बीच आ पहुंची थी। वह अपने हाथों और पैरों से रेंग कर चल रही थी। जिस तरह से जंगली जानवर चलते हैं उसे इंसानी भाषा के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो लड़की कभी भी पूरी तरह से इंसानी समाज में घुल मिल नहीं पाई। उसने कई बार जंगल में भाग जाने की कोशिश की। नंबर तीन, ओक्साना मलाया। जब मलाया 3 साल की थी तो उसे उसके शराबी माँ बाप ने घर से निकाल दिया था। उस समय सर्दियों का समय था, इसलिए ठंड से बचने के लिए वो एक नाले के अंदर छुप गई। वहां कुछ कुत्ते रहते थे, उन कुत्तों ने उसे पाला। 5 साल बाद पुलिस में किसी के द्वारा शिकायत किए जाने पर उसे ढूंढा गया। जब वह मिली तो न ही उसे इंसानी भाषा आती थी और न ही इंसानी रहन सहन के बारे में कुछ पता था। वह कुत्तों की तरह भौंकती थी और अपने हाथ और पांवों से चौपाया बनकर चलती थी। बहुत समय बाद वह इंसानी जीवन को अपना पाई। नंबर चार, मरीना चैपमैन। चैपमैन को बचपन में कोलंबिया के गांव से अपहरण करके जंगल में छोड़ दिया गया था। उसे जंगल के अंदर कैपुचिन प्रजाति के बंदरों ने पाला। उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। आगे चलकर जंगल में कुछ शिकारियों को वह मिल गई। उन्होंने उसे वैश्यालय में ले जाकर बेच दिया। 14 साल की उम्र में उसे वहां से कुछ लोगों ने बाहर निकाला। उसके बाद उसे एक परिवार ने गोद ले लिया। बड़ी होने पर उसने द गर्ल विद द नेम नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। नंबर पांच, पीटर द वाइल्ड बॉय।
1725 में पीटर जर्मनी के हैमलिन के पास स्थित हेर्ट्सवुड के जंगलों में अपने दोनों हाथों और पैरों पर चलते हुए मिला था। इंसानों के बीच रहने के बाद भी वह अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ही शब्द बोलना सीख पाया। वह अक्सर यहां से वहां भटकता रहता था। 72 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। नंबर 6, जॉन सेबेनिया। अपने पिता द्वारा अपनी माँ को जान से मारते देख सेबेनिया डर कर घर से बचपन में भाग गया था। भागता भागता वह जंगल में पहुंच गया। उसे वहां वेरवेट प्रजाति के बंदरों के एक दल ने पाला। 1991 में वह कुछ लोगों को मिल गया था। उन लोगों ने उसे अपना लिया। धीरे धीरे उसे इंसानों जैसा व्यवहार करके जीवन यापन करना सिखाया गया। नंबर 7, इवान माशुकोव। जब इवान 4 साल का था तो अपनी माँ और उसके शराबी बॉयफ्रेंड से बचकर घर से भाग गया। उसके बाद वो रूस की गलियों में लोगों द्वारा फेंके गए झूठे खाने को खाकर जीने लगा। एक दिन उसने अपना खाना कुछ कुत्तों के साथ मिलकर खाया। उसके बाद वो उन कुत्तों के परिवार के साथ ही रहने लगा। पुलिस द्वारा ढूंढे जाने से पहले 2 साल तक वह उन्हीं कुत्तों के साथ रहा था। नंबर 8, डाइना सनिचर। 18वीं सदी में भारत में कुछ शिकारियों को सनिचर एक गुफा में भेड़ियों के एक झुंड के साथ मिला था। यह 6 साल का बच्चा पके हुए खाने के लिए मना कर देता था। इसे कच्चा मांस खाना पसंद था। वह कभी भी पूरी तरह से मानव समाज में एडजस्ट नहीं हो पाया। नंबर 9, लेपर्ड बॉय। इस बच्चे को एक लेपर्ड ने अपने शावकों के साथ पाला था। आगे चलकर एक शख्स को यह मिल गया था। उसने फिर से पाला। यह जानवर की तरह से अपने दोनों हाथों और पैरों पर चलता था। उस शख्स को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं वो वापस भागकर जंगल में न चला जाए। यह घटना देखने के बाद हम इंसान भी इन जानवरों से काफी कुछ सीख सकते हैं। ये जानवर एक अलग अलग प्रजाति के अनजान प्राणी को मारने के बजाय अपना लेते हैं। वहीं हम इंसान तो दूसरे अनाथ बच्चों को अपनाने की सोचना तो दूर, बल्कि अपने ही घर के सदस्यों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते, यहां तक कि अपने माँ बाप का भी। कुदरत का यह अद्भुत चमत्कार हमें जीने की कला सिखाने के लिए काफी है, और साथ ही यह भी बताता है कि जानवरों में भी हम इंसानों की तरह दया और नेकी की भावना होती है। इसलिए अगली बार किसी इंसान को गाली के रूप में जंगली जानवर कहने से पहले 10 बार सोचें। इन सभी इंसानों की कहानियां हैरत में डाल देने वाली हैं। इनमें से कुछ लोग समय के साथ फिर से इंसानी जीवन जीने लगे थे, लेकिन कुछ जिंदगी भर पूरी तरह से इंसानी जिंदगी के रहन सहन को अपना नहीं पाए। सच में अजीब बात है, जब इंसान जानवर बन जाता है तो कुदरत किसी जानवर को इंसान बना देती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में चौंकाने वाले ऐसे किस्से जहां पर एक इंसान जानवर बन जाता है और एक जानवर इंसान से कहीं बेहतर इंसान बनकर उसे पालता है। आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी ऐसे किस्से के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो किस्से हमने आपको बताए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा प्रेरणादायक किस्सा आपको कौन सा लगा, वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए शब्दबाण से, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।